हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वाइज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अपने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए के लिए रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आरबीआई, इन दो टॉपिक्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी के 2021 का सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंगली हमने ये वीडियो बनाया है। फाइनेंशियल सिस्टम में पहला टॉपिक आता है आपका रेगुलेटर ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बेसिकली आरबीआई एंड सेबी है। उसके बाद आपका आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेसिकली आरबीआई के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा डीप में पढ़ना है एज कंपेयर टू सेबी, तो हम लोग आरबीआई से ही इस वीडियो को शुरू करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था अंडर आरबीआई एक्ट 1934। जॉन हिल्टन यंग कमीशन थी, जॉन हिल्टन यंग कमीशन ऑफ 1926, जिसे हम लोग रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहते हैं। इस कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई बना था। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इसे सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कहते हैं। इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसकी पेडअप कैपिटल थी 5 करोड़ रुपए। दोस्तों 5 करोड़ रुपए इसकी पेडअप कैपिटल थी, आज भी उतनी ही है। 100 रुपए के 5 लाख शेयर किए गए और वो पूरे 5 लाख के 5 लाख शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में हैं। आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस 1937 से मुंबई में है। दोस्तों जैसे आप लोग बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हेड ऑफिस टर्म यूज करते हो, आरबीआई के केस में उसको सेंट्रल ऑफिस कहा जाता है, हेड ऑफिस नहीं कहा जाता है। सेंट्रल ऑफिस जब आरबीआई बना था तब इनिशियली कैलकाटा में था और 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सी डी देशमुख। लोकल बोर्ड हैं आरबीआई में 4, जो कि इंडिया के चारों रीजन को देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली लोकल ऑफिस की बात करें तो ये अपने आप में इसके रीजनल ऑफिस दिल्ली को देखेगा, प्लस जम्मू को देखेगा, जयपुर को देखेगा, शिमला को देखेगा और चंडीगढ़ को देखेगा, देहरादून को देखेगा और लखनऊ को देखेगा। सेम वे जो कोलकाता है वो ईस्टर्न ऑफिसेस को देखेगा, चेन्नई सदर्न ऑफिसेस को देखेगा और मुंबई वेस्टर्न ऑफिसेस को देखेगा। 20 रीजनल ऑफिसेस हैं आरबीआई के पास, 11 सब ऑफिसेस हैं। फॉर एग्जांपल लखनऊ रीजनल ऑफिस है जिसका एक्सटेंशन कानपुर में भी है, तो वो लखनऊ का सब ऑफिस हो गया। तो ऐसे टोटल 11 सब ऑफिसेस हैं आरबीआई के पास में। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 21 लोग होते हैं, 21 लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, जिसके 11 लोग हो गए, वो मेजॉरिटी हो जाएगी 21 में से। तो जो 21 लोग हैं, मैं इसको जरा रफ कर देता हूं दोस्तों, जो यहाँ लिखा हुआ है, जो 21 लोग हैं दोस्तों, तो 21 में से 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 1 हमारे गवर्नर सर होते हैं, 4 लोग इन चारों लोकल बोर्ड से आते हैं, टोटल हो गए हैं ये 9। इसके अलावा 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू आते हैं और 10 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आते हैं। तो 9 वो हो गए, 12 ये हो गए, टोटल हो गए 21 और मेजॉरिटी हो गई इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आरबीआई की जो अपर मोस्ट बॉडी होती है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है। आरबीआई के फंक्शंस की बात करें तो आरबीआई इश्यूएंस ऑफ करेंसी करता है। इश्यूएंस ऑफ करेंसी से मतलब है इंडिया में जो करेंसी नोट प्रिंट्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम 1 रुपी नोट एवरी अदर फॉर्म ऑफ करेंसी नोट हैज अ सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इज इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाहे वो पुराने 2 और 5 रुपए के नोट हो जो कि अब पब्लिश नहीं होते, उसके अलावा 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100, 200, 500, 2000 अप टू 10,000, क्योंकि 10,000 तक का नोट प्रिंट करने की परमिशन आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 देता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट के काफी सारे बैंकिंग फंक्शंस करता है, जैसे गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त करना, गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज को लॉन्च करना, गवर्नमेंट के कहने पर सिक्योरिटीज को मार्केट से सकआउट कर लेना, वो सारे काम आरबीआई करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के फंड्स को मैनेज करना। अब आरबीआई ने गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस को अपने पास से हटा के बैंकों को आउटसोर्स कर रखा है, बट गवर्नमेंट उन बैंकों के पास नहीं जाएगी, गवर्नमेंट आरबीआई के पास ही जाएगी उन सारे फंक्शंस के लिए। बैंकर्स बैंक भी आरबीआई को कहते हैं। अगर बैंकर्स को कहीं पे फंड इन्वेस्ट करना होता है तो उसके लिए एडवाइस आरबीआई से ले सकते हैं। बैंकर्स को, जैसे बैंकर्स को अपना सीआरआर का अमाउंट और एसएलआर, ये कुछ फंड्स हैं जो बैंकों को जमा करने ही करने होते हैं, तो वो आरबीआई के पास भी जमा करते हैं। आरबीआई से सिक्योरिटीज खरीदते हैं, आरबीआई को सिक्योरिटीज सेल करते हैं, आरबीआई से लोन भी ले लेते हैं। कंट्रोलर ऑफ द बैंक। आरबीआई बैंकों को लाइसेंसिंग करता है, बैंकों का इंस्पेक्शन करता है, बैंकों पे पेनल्टी लगाता है अगर वो आरबीआई के नॉर्म्स को, डायरेक्शंस को सही तरह से फॉलो नहीं करते और पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करते। तो ये इस तरह से आरबीआई कंट्रोलर ऑफ द बैंक्स भी है। कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मार्केट में कितना क्रेडिट जा रहा है कितना क्रेडिट नहीं जा रहा है उसको कंट्रोल में रखने के लिए, मार्केट में कब कितनी लिक्विडिटी जानी है कब कितनी लिक्विडिटी मार्केट से सकआउट करनी है, आरबीआई इस तरह से क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। मेकर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट तो मैंने आपको बताया, मॉनेटरी पॉलिसी में इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जिसका ओवरऑल काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आरबीआई ने टारगेट दिया है 4% इन्फ्लेशन का, प्लस माइनस 2% के साथ में, मतलब 2% से लेकर 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन का फ्लक्चुएशन रहेगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड हुआ है, पहले ये हुआ था 2016 से लेकर 2021 तक, अब ये हो गया है 2021 से लेकर 2026 तक। 2021 से 26 के लिए भी 5 साल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का गठन हुआ है, इसमें भी 4% ही इन्फ्लेशन के टारगेट को माना गया है, मतलब हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और उसके साथ में हमें ग्रोथ भी देखनी है, दोनों काम हमें एक साथ करने हैं, दोनों काम, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और ग्रोथ देखना। आगे हम लोग देखते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का होता है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया। प्राइस स्टेबिलिटी एक नेसेसरी प्री कंडीशन है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 4% शैल बी द इन्फ्लेशन एज पर द सीपीआई इन्फ्लेशन एज द टारगेट ऑफ द पीरियड फ्रॉम अगस्त 5, 2016 से मार्च 31, 2021, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था। इसके अंदर अपर टॉलरेंस लिमिट 6% की है, लोअर टॉलरेंस लिमिट 2% की है, जो मैंने आपको प्लस माइनस 2% करके बताया था। मार्च 31, 2021 को तो पिछला टेन्योर खत्म हो गया, तब गवर्नमेंट ने नया टेन्योर शुरू करा 5 साल का, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 का, और उसी इन्फ्लेशन टारगेट को जो 4 और प्लस माइनस 2 वाला था उसे अगले 5 साल के लिए रिटेन कर लिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों अलग अलग, जो आरबीआई की वेबसाइट पर है। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये एक पार्ट ऑफ कैश होता है जो बैंक को इन टर्म्स ऑफ देयर एनडीटीएल आरबीआई के पास जमा करना होता है डेली बेसिस पर। दोस्तों एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसे 15-15 दिन के एवरेज की फॉर्म में निकाला जाता है, बट निकाला डेली बेसिस पर जाता है, और ये पैसा बैंक आरबीआई के पास रखेगा कैश की फॉर्म में, और आरबीआई इस पैसे पे कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं देगा। इसको डिफाइन किया गया है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 के अंदर। सीआरआर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सीआरआर को कैलकुलेट किया जाता है डेली बेसिस ऑफ एनडीटीएल पर। आरबीआई सीआरआर पे कोई भी इंटरेस्ट बैंक को पे नहीं करेगा। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है इसकी, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, और इस चीज को अमेंड किया गया है 2007 में। 2007 से पहले इसकी मिनिमम लिमिट हुआ करती थी, अब इसकी कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे दोस्तों 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर ऑब्जर्व किया गया था। 100% सीआरआर नहीं, 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर। दोस्तों इस बात का मतलब होता है कि जैसे 8 नवंबर का जब डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, 9 नवंबर की छुट्टी थी और 10 नवंबर को बैंक खुले थे, तो 10 नवंबर को पुरानी करेंसी जो 500 और 1000 रुपए के नोट वाली थी, उन दोनों करेंसी के नोट्स के लिए सीआरआर 100% था। उसके अलावा 8 तारीख तक की जो भी करेंसी थी, या फिर अगर कोई 100, 50, 10, 20, 5, 1 इस रुपए का, इसका अगर कोई डिनोमिनेशन का पैसा आता है, उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड सीआरआर चल रहा था तब की मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वही रहेगा। बट अगर 500, 1000 का या फिर नई करेंसी में से कोई नोट वहां पर आ जाएगा, बल्कि उसको भी नहीं, जो पुरानी करेंसी के 500 और 1000 के नोट थे उन पर 100% सीआरआर था। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दोस्तों दूसरा रेशियो है, और ये दोनों ही रेशियो को हम लोग रिजर्व रेशियोज कहते हैं। ये अमाउंट है जो कि बैंक को अपने पास रखना पड़ता है सेफ और लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, जैसे अनएनकम्पल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश और गोल्ड। दोस्तों अनएनकम्पल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर वो होती है जो किसी भी तरह के सेकेंडरी क्लेम से बची हुई होती है। ऐसा ना हो कि मेरे पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मैंने उसको ऑलरेडी कहीं पे मॉर्गेज रखा हुआ है, मैं वही सिक्योरिटी आपको बेच दूं, तो वो सिक्योरिटी एसएलआर के केस के लिए वैलिड नहीं होंगी। तो ये जो एसएलआर का पैसा है, एसएलआर का पैसा बैंक अपने ही पास रखेगा। सीआरआर से हम लोग जब इसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो सीआरआर का पैसा बैंक आरबीआई को देता है, बट एसएलआर के लिए जो पैसा होगा वो बैंक अपने पास रखेगा अनएनकम्पल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश और गोल्ड की फॉर्म में। सीआरआर के केस में वो सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में रख रहा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड की फॉर्म में नहीं रख रहा था। टर्म है यहाँ पे सेफ और लिक्विड एसेट्स, सेफ और लिक्विड एसेट्स होते हैं ये। इट इज कैलकुलेटेड ऑन एनडीटीएल ऑन डेली बेसिस, जैसे सीआरआर को निकालते हैं वैसे ही हम लोग एसएलआर को निकालते हैं। दोस्तों सीआरआर और एसएलआर ये दोनों ही वैल्यू हर 2 महीने में चेंज हो सकती है एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी जो भी लॉन्च होगी, या फिर आरबीआई इसे चाहे तो कभी भी बीच में चेंज कर सकता है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आरबीआई की वेबसाइट पे हमेशा देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पैनल में लिखी आती हैं। दोस्तों सीआरआर की जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू सीआरआर की चल रही है 4% और एसएलआर की चल रही है 18%। ये अभी फरवरी 2022 के मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं जो एसएलआर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन किया गया है। सीआरआर की हम लोग जब बात कर रहे थे ये आरबीआई एक्ट 1934 था, एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। एसएलआर में कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, सीआरआर में भी नहीं थी, बट एसएलआर के केस में मैक्सिमम लिमिट 40% है। सीआरआर के केस में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जिसे हमने 2007 में अमेंड करा था। एसएलआर के केस में मैक्सिमम लिमिट 40% है और आरबीआई इन चीजों को वेरी कर सकता है। ये पावर इसलिए मिली है क्योंकि आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सारी पावर्स दी गई हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। कई बार बैंक्स को ओवरनाइट लिक्विडिटी चाहिए होती है अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो बैंक क्या करेगा, बैंक आरबीआई के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या दूसरी ऐसी सिक्योरिटीज जो अप्रूव्ड होंगी उस टाइम पर आरबीआई के पास गिरवी रखेगा और आरबीआई को बोलेगा जी मुझे एक रात के लिए इतने 100 या इतने हजार करोड़ रुपए दे दो। अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF के अंडर रेपो रेट आता है। रिवर्स रेपो रेट होता है, इसी का रिवर्स होता है। इसके अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर आरबीआई जो है लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लेगा बैंकों से ऑन ओवरनाइट बेसिस, मतलब एक तरह से आरबीआई बैंकों से लोन ले लेगा। बट जब आरबीआई बैंकों से पैसा ले रहा है इस केस में, तो वो क्या कर रहा है, वो 0.5% ऑफ LAF ही लेगा और बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखेगा। अब दोस्तों सवाल इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है या डिस्क्रिप्टिव में बन जाता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई इन्फ्लेशन को या मार्केट में फ्लो ऑफ लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करेगा। तो आरबीआई ऐसे कंट्रोल करता है कि मान लीजिए कोई एक बैंक है जिसके पास एक दिन के 10,000 या मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आए हैं। अब बैंक इसके अंदर से उसने 4% सीआरआर का अलग कर दिया, एसएलआर का उसने 18% अलग कर दिया, तो बैंक के पास आपके पास नेट रह गया 78%। अब आरबीआई ने बोला कि तुम इस 78% में से आधे रुपए मेरे को दे दो। बैंक बोलेगा भाई मैं क्यों दूं, मैं इसको लोन बेच रहा हूं बाहर। आरबीआई ने बोला तुम बाहर लोन दे रहे हो 8% पे, मैं तुम्हें दे रहा हूं से फॉर एग्जांपल किसी टाइम पे 6% पर। आरबीआई बोलेगा तुम्हारा 8% पे तो बहुत ज्यादा रिस्की है ना कि कोई उसे लेगा, कितना एनपी हो जाएगा, कितना लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, बट मुझे तुम 6% पर दोगे तो पूरा का पूरा तुम्हारा पैसा सेफ है। बैंक भी ये सोचते हैं, बैंकों को भी लगता है ऐसा। तो अगर वो पैसा बैंक आरबीआई को दे देगा रेदर देन लेंडिंग इट टू द पीपल और द पब्लिक, उस केस में क्या होगा, मार्केट में पैसा कम आएगा और वो लिक्विडिटी आरबीआई ने एब्जॉर्ब कर ली। किस केस में, रिवर्स रेपो रेट के केस में। बट अगर आरबीआई चाहता है कि बैंक बाहर ज्यादा पैसा दे, लोगों के पास ज्यादा लोन मिले, तो बैंकों के पास तो पैसा इतना ही है 78 से। इन केस ऑफ दिस आरबीआई बोलेगा कि एक काम करो, तुम 8% पे लोन दे रहे हो ना, मैं तुम्हें 3% रेपो रेट पे लोन दे रहा हूं, तुम ये लोन भी बाहर 8% पर दे दो। इस केस में क्या होगा, बैंकों को थोड़ा लालच दिखेगा। तो आरबीआई अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम और ज्यादा करेगा तो उससे बैंकों के पास जो लिक्विडिटी है मार्केट में लैंड करने के लिए आरबीआई उस चीज को वेरी करता है। ये मार्केट में मनी सप्लाई को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए। अगली चीज आती है हमारे पास बैंक रेट, और बैंक रेट जो है दोस्तों ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 49 के अंदर डिफाइंड है। दोस्तों अभी हमने पीछे आपसे रेट्स के बारे में बात करी थी जिसके अंदर हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को सुना था, वहां मैं आपको बताना भूल गया जो रेपो रेट एट प्रेजेंट चल रहा है, रेपो रेट आरआर, ये वैल्यू 4% है और जो रिवर्स रेपो रेट है इस समय वो वैल्यू 3.35% है। ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ फरवरी 2022 के अकॉर्डिंगली है। वापस हम लोग बैंक रेट पर आते हैं, बैंक रेट की वैल्यू 4.25% है। तो बैंक रेट को डिफाइन किया गया है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 49 के अंदर। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से अगर 90 डेज से ज्यादा के लिए लोन लेते हैं तो वो बैंक रेट पर लेंगे। जब हम रेपो और रिवर्स रेपो की बात कर रहे थे वो हम ओवरनाइट की बात कर रहे थे, अब बैंक को 90 डेज से ज्यादा के लिए लोन चाहिए तो वो बैंक रेट पर लोन लेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आती है दोस्तों MSF। इसके अंदर क्या होता है, मैं इसको रब कर देता हूं जो यहाँ लिखा हुआ है ताकि आपको ढंग से विजिबल हो जाए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर दोस्तों क्या होता है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स ओवरनाइट मनी लेते हैं आरबीआई से। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सारे बैंकों को नहीं मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक्स MSF के लिए एलिजिबल ही नहीं है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स MSF के लिए एलिजिबल नहीं है। नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अगर कोई होते हैं या है इंडिया में तो वो भी MSF के लिए एलिजिबल नहीं है. कंडीशन इज MSF is the facility that is given to only scheduled commercial banks to take overnight money from the RBI. मिनिमम इसके अंदर 1 करोड़ रुपए बैंकों को मिलेंगे और मैक्सिमम उनके NDTL का 2%. Banks can use security used in SLR as mortgage while taking this loan. However, बैंक अगर रेपो रेट पे ओवरनाइट लोन लेता है तो दोस्तों MSF और रेपो रेट में बहुत बड़ा फर्क क्या हो गया कि MSF के लिए लिमिट डिफाइन कर दी गई कि मिनिमम 1 करोड़ रुपए और मैक्सिमम NDTL का 2%. ऐसी कोई लिमिट रेपो रेट लोन्स में डिफाइन नहीं है. रेपो रेट लोन सारे बैंक ले सकते हैं बट MSF फैसिलिटी स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए है. मोरओवर रेपो रेट्स के केस में अगर कोई सिक्योरिटी SLR में रखी हुई है बैंक ने अपने 18% में, वो रेपो रेट के लोन के लिए उस 18% के अंदर से बैंक नहीं निकाल सकता. बट MSF के केस में बैंक कैन यूज सिक्योरिटी यूज्ड इन SLR एज मॉर्टगेज. ये दोनों फैसिलिटीज के अंदर फर्क है. आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों RBI OMO करता है जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशन जो RBI करता है सेल और परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट में डायरेक्टली मनी सप्लाई कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए. RBI अगर चाहेगा कि मार्केट से पैसा कम हो जाए तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में लॉन्च करेगा, लोग सिक्योरिटीज खरीदेंगे, पैसा RBI के पास आ जाएगा. एट अ पॉइंट RBI को लगेगा कि नहीं मार्केट में पैसा जाना चाहिए, RBI मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगा, लोगों को पैसा मिल जाएगा, लोग उसे खर्च करेंगे, मार्केट में पैसा आ जाएगा. OMO के थ्रू RBI मनी सप्लाई को, लिक्विडिटी को मार्केट में डायरेक्टली कंट्रोल करता है. हमने जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पढ़ा वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स थे. जब मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल हो रही है मतलब हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है. RBI sells G-Sec to suck out liquidity from the system and buys back to infuse the liquidity into the सिस्टम. G-Sec से दोस्तों यहाँ पे हमारा मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी. This operation, the operation are often conducted on day-to-day basis in a manner that balances inflation while helping banks to continue to lend. RBI uses OMO with other monetary policies to adjust the quantum and price of the money in the system. दोस्तों टर्म है यहाँ पे quantum and price of the money. हम लोग जब लिक्विडिटी को कम या ज्यादा कर रहे हैं तो मनी की जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा हो रही है और कितना मनी है तो क्वांटम और प्राइस दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए OMO RBI यूज करता है और रेज मनी जो होता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है. अगला आता है MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया था RBI. इसे साल 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था. तो एक टाइम पे क्या हुआ था 2002 में 2003 में बहुत सारा इंडिया में FDI आने लगा था. फॉरेन कंट्रीज इंडिया में बिजनेस करने लगी थी. जब वो इंडिया में बिजनेस कर रही है तो मार्केट में फॉरेन करेंसी फ्लो कर रही है. मार्केट में तो बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी फ्लो कर रही है तो उससे इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू अफेक्ट हो रही थी. RBI ने क्या करा, RBI ने बोला काम करो हम ये जितनी भी एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में वो सारी सकआउट कर लेंगे. तो RBI it is used by the RBI to withdraw excess liquidity by selling government securities in the economy to carry out MSS. Government ने RBI को अपने बॉन्ड और सिक्योरिटीज दे दिए थे. In this way RBI already debtor, RBI के पास गवर्नमेंट की डेट हो गई थी इक्वल वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ MSS. जितने भी अमाउंट के MSS बॉन्ड्स थे वो RBI के पास गवर्नमेंट की डेट हो गई थी. अमाउंट जो था एक MSS अकाउंट में जाता. तो जो OMO था दोस्तों OMO के अंदर का जो पैसा था वो गवर्नमेंट के पास जा रहा था. यहाँ पर वो पैसा MSS अकाउंट के अंदर जा रहा था. अब जो MSS को हमने मेनली इंप्लीमेंट किया था ये फॉरेन करेंसीज को सेल करने के लिए किया था रेदर देन अदर सिक्योरिटीज. MSS की जो लिमिट है ये 6 लाख करोड़ है और ये लिमिट सिंस डिमोनेटाइजेशन है. दोस्तों MSS और ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है उनके टेन्योर का. दोस्तों जो ओपन मार्केट ऑपरेशन थे OMO की टाइम ड्यूरेशन थी 1 से लेके 30 साल तक और जो MSS हमारे आए थे MSS आए थे अप टू 1 ईयर तक के लिए. अप टू 1 ईयर MSS की टाइम ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर है. सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI हम लोग देखते हैं. हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि ये शेड्यूल बैंक है नॉन शेड्यूल बैंक है. बैंक शेड्यूल या नॉन शेड्यूल है ये डिपेंड करता है कि क्या वो RBI के सेकेंड शेड्यूल में आता है या नहीं. RBI एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन E के अंदर बोला गया है A scheduled bank means a bank who is included in the second schedule of RBI Act 1934. Scheduled bank के पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए जैसे उसकी जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व रिक्वायरमेंट है ये 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए. दूसरा RBI सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो अफेयर्स हैं बैंक के, जो बैंक का बिजनेस है वो इस तरह से रहेगा कि इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर जियोपर्डाइज नहीं होना चाहिए. तो जो भी बैंक काम कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट में, अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए काम ना करके कस्टमर के लिए काम करेगा। ऐसा ना हो कि कस्टमर का इंटरेस्ट या कस्टमर का पैसा खतरे में पड़ जाए। अगर आरबीआई को लगेगा कि बैंक ऐसे काम नहीं कर रहा तो आरबीआई उसका शेड्यूल स्टेटस छीन भी सकता है और आरबीआई उसे शेड्यूल स्टेटस ग्रांट करने से मना भी कर सकता है। मेजॉरिटी जो हमारे कॉमर्शियल और रूरल बैंक है वो सारे शेड्यूल बैंक हैं। अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर बहुत सारे बैंक हैं जो नॉन शेड्यूल बैंक हैं। जो भी बैंक सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर नहीं आते हैं उसे हम लोग नॉन शेड्यूल या स्केड्यूल्ड बैंक, नई लिंबो में लोग इसको स्केड्यूल्ड कहते हैं, शेड्यूल ना बोलकर, बट हम यहाँ पे शेड्यूल बोलेंगे। आरबीआई की सब्सिडरीज हम लोग देखते हैं दोस्तों। आरबीआई के पास 5 सब्सिडरीज है। पहले एनएचबी भी था, अब एनएचबी आरबीआई की होली ओन सब्सिडरी नहीं है। डीआईसीजीसी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जिसे हम लोग रेबिट कहते हैं, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीट सर्विसेज जिसे हम लोग इफ्टास कहते हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जिसे हम लोग आरबीआईएस कहते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे। जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इंडिया, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इसके अलावा अब इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो गए हैं, वो डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है। ईच डिपॉजिटर इन अ बैंक, ईच डिपॉजिटर की बात कर रहे हैं, ईच डिपॉजिट या ईच अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक बैंक में आपने एक अपनी वाइफ के साथ भी अकाउंट खोला हुआ है, एक अपना अकाउंट भी खोला हुआ है, फिक्स अकाउंट भी खोला हुआ है, करंट अकाउंट भी खोला हुआ है, तो हर अकाउंट नहीं, ईच डिपॉजिटर। और इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट है आइदर सर्वाइवर के अकाउंट में जिसका फर्स्ट नेम है वो, ईच डिपॉजिटर इज इंश्योर्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट हेल्ड बाय हिम इन द सेम कैपेसिटी। टोटल जो भी पैसा है इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट अमाउंट मैक्सिमम 5 लाख रुपए। इसका यह मतलब नहीं कि आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए है तो आप 5 लाख के लिए एलिजिबल हो, नहीं, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है तब भी आप सिर्फ 5 लाख का इंश्योर्ड हो। पहले ये वैल्यू 1 लाख थी, फिर 2020 में इसको अमेंड करके 5 लाख कर दी गई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अब डीआईसीजीसी क्या इंश्योर करता है? डीआईसीजीसी हर तरह का सेविंग, फिक्स, करंट, रिकरिंग, हर तरह का अमाउंट इंश्योर करता है, डिपॉजिट इंश्योर करता है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। इन डिपॉजिट्स को इंश्योर नहीं करेगा। कौन से वाले डिपॉजिट्स हैं? डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिविजुअल्स के करेगा बट गवर्नमेंट्स के, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये इंश्योर नहीं होगा। इंटर बैंक डिपॉजिट, एक बैंक जब दूसरे बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है वो डीआईसीजीसी में इंश्योर नहीं होगा। डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उन्हें भी डीआईसीजीसी इंश्योर नहीं करेगा। एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर का कोई भी डिपॉजिट है उस पर जो भी अमाउंट ड्यू है उसको डीआईसीजीसी इंश्योर नहीं करेगा। Any amount which has been specifically exempted by the corporation with the previous approval of Reserve Bank of India। अब ऐसा नहीं है कि DICGC किसी अमाउंट को खुद से ही बोल दे कि जी नहीं मैं इसको इंश्योर नहीं करूंगा। अगर उसे किसी स्पेसिफिक अमाउंट को बोलना भी पड़ेगा तो वो प्रीवियस अप्रूवल उसे लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या आरबीआई ने खुद से कॉर्पोरेशन को बोला हो कि आपको ये वाले अकाउंट का या इस तरह के अकाउंट का पैसा इंश्योर नहीं करना है। इसके अलावा जो भी पैसा होगा सारा डीआईसीजीसी में इंश्योर्ड होगा अप टू 5 लाख रुपीज पर डिपॉजिटर। अगली आती है दोस्तों, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL, ये होली ओन सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि आती है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ये इंडियन बैंक नोट्स बनाती है। ये 1995 में स्टैब्लिश हुई थी टू एड्रेस द डिमांड ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स। BRBNMPL जो है ये मेजर पोर्शन ऑफ बैंक नोट रिक्वायरमेंट कंट्री में फुलफिल करती है। जो बची हुई रिक्वायरमेंट है वो सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू होती है, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी और होली ओन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BRBNMPL की दोस्तों 2 प्रेसेस हैं, मैसूरू में और सलबोनी में। प्रेजेंट कैपेसिटी इन दोनों प्रेसेस की है 16 बिलियन नोट पीस पर ईयर ऑन अ 2 शिफ्ट बेसिस। दोस्तों बाकी जो है इसकी SPMCIL की, इसकी भी 2 हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है। कहाँ पर है? एक है देवास में और एक है नासिक में। तो 4 हमारे पास टोटल प्रिंटिंग प्रेस है। 2 आरबीआई के अंदर आती हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं। अब ये BRBNMPL एग्जिस्टेंस में क्यों आई? पहले क्या होता था, गवर्नमेंट की 2 प्रिंटिंग प्रेस थी। आरबीआई गवर्नमेंट को बोलता था, गवर्नमेंट अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बोलती थी, फिर प्रिंटिंग प्रेस बोलती थी हमने नोट प्रिंट कर लिया, वो जाके गवर्नमेंट को बताती थी, गवर्नमेंट फिर आरबीआई को बताता था, फिर आरबीआई के पास वहां से नोट आते थे। तो बहुत सारा कंबरसम प्रोसेस हुआ करता था। आरबीआई को लगा कि मेरे पास आज डिमांड है, नोट आने आने में मेरे पास एक महीना लग रहा है, एक महीने में डिमांड और ज्यादा बढ़ गई या फिर किसी वजह से डिमांड कम हो गई, तो अब जो भी मनी मेरे पास आया है, जो भी नोट पीस आए हैं, वो इनसफिशिएंट है या फिर इररेलेवेंट है। उस केस में आरबीआई को एक टाइम पर लगा कि मैं खुद की ही कंपनी बना लेता हूं, सरकार के द्वारा मैं नोट नहीं छपवा रहा, मैं खुद ही नोट छाप लूंगा। आरबीआई ने बोला मैं खुद नोट छाप लूंगा, उसने अपनी 2 प्रिंटिंग प्रेस बनाई कि भाई जब मुझे नोट चाहिए मैं तब बोलूंगा, फोन करूंगा, लेटर भेजूंगा, कुछ भी करूंगा, सरकार से नोट नहीं छपवाने मुझे। अगली आती है रेबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आईटी के साथ साथ आरबीआई को ऐसा लगा यार जब मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो खुद की आईटी कंपनी भी खोल लेता हूं। आरबीआई ने खोल दिया रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ने अपने आईटी और साइबर सिक्योरिटी नीड्स के लिए और इंडियन बैंकिंग के साइबर रेजिलियंस के लिए रेबिट को एग्जिस्टेंस में लाया। इसका काम है तो डिलीवर एंड मैनेज आईटी प्रोडक्ट्स ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई के जितने भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, आरबीआई के इंस्पेक्शंस पर जाते हैं, आरबीआई के पास उसकी इंटरनल बैंकिंग के लिए आरबीआई आरटीजीएस को पूरा कंट्रोल करता है। जो भी आरबीआई के अंदर आईटी का काम हो रहा है सारा रेबिट के थ्रू हो रहा है। For a productive and delightful user experience through collaboration and excellence, it assists in RBI in performing risk-based supervision of regulated entities through security audits and incident analysis. It improves cyber resilience of the banking sector through collaboration with key stakeholders. दोस्तों RBI के stakeholders हैं people of the India. People of the India are the stakeholders of the RBI. इसके अलावा जो Indian companies हैं अलग-अलग इंडियन कंपनीज हैं जिनका पैसा इंडिया में है, जो आरबीआई के नाम पे भरोसा करती हैं कि हमने बैंक में पैसा दिया है, हमारा पैसा सेफ है। वी ऑल आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो थ्रू कोलैबोरेशन विद की स्टेक होल्डर्स टू प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस, ड्राइव पॉलिसी रिसर्च एंड बिल्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ये सारे काम है रेबिट के। इसके अलावा इट्स सेफगार्ड आरबीआई एसेट्स बाय डिटेक्टिंग एंड रिस्पोंडिंग टू साइबर थ्रेट्स थ्रू आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी इंफ्रा एंड सर्विसेज। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट रेगुलेटर की तरफ जाते हैं जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश करा था 12 अप्रैल 1988 में एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो कि प्रमोट कर ली थी ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। उसके बाद इट वाज टू फंक्शन अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जब सेबी को एग्जिस्टेंस में लेकर आए हम लोग 1988 में, तब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाद में 30 जनवरी 1992 को सेबी का स्टैट्यूट आया और सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला। एक ऑर्डिनेंस आया, सेबी एक्ट बाद में आया, सेबी एक्ट 1992, और सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। सेबी के पर्पस और रोल के बारे में अगर हम लोग जाने, मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जो भी हमारा कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रेगुलेशन और इंस्पेक्शन का काम है, वो सारा काम सेबी के पास है। तो बेसिक पर्पस ऑफ सेबी इज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट टू फैसिलिटेट एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सेबी है। इट ऑल्सो एम्स टू स्टिमुलेट कॉम्पिटिशन एंड एनकरेज इनोवेशन। This environment includes rules and regulations, जैसे RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसे ही सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंगली, और जो बाकी है जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, इस तरह के जो भी एक्ट्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, जो आपके सिक्योरिटीज मार्केट्स के लिए हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के लिए हैं, वो सारी चीजें सेबी को पावर देती हैं। दिस एनवायरमेंट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंटररिलेशनशिप्स, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रैक्टिसेस, इंफ्रा एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसके अंदर क्या है, द एनवायरमेंट एम्स एट मीटिंग द नीड्स ऑफ द 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप की यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है। पहली आ रही है इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटी, जो कंपनीज हैं। दूसरे आ रहे हैं इन्वेस्टर, जो उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आपके और मेरे जैसे लोग। तीसरे आ रहे हैं मार्केट इंटरमीडियरीज, जो हमें उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए लेकर जा रहे हैं, जैसे बीच में हमारे ब्रोकर्स आते हैं या फिर हमारे अंडरराइटर्स आते हैं। तो जो भी इंटरमीडियरीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो सिक्योरिटीज हैं, ये किस एनवायरमेंट में मिल रहे हैं, उसकी नीड्स को फुलफिल करना, उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये काम सेबी का है। टू द इश्यूअर्स, इट एम्स टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन कॉन्फिडेंटली लुक फॉरवर्ड टू रेजिंग फाइनेंस दे नीड इन एन ईजी, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर। तो इश्यूअर्स के लिए, जो इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज है, उनके लिए सेबी उन्हें एक मार्केट प्लेस दे रहा है जहां पे वो कॉन्फिडेंटली देख सकते हैं कि यहां से हमें फाइनेंस मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, फेयर वे में मिलेंगे। टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को ये प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट एंड इंटरेस्ट दे रहा है थ्रू एडिक्वेट, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन and disclosure of information on a continuous basis. To the investors, SEBI should provide protection of their rights and interests through adequate, accurate and authentic information and disclosure of information on a continuous basis. Intermediaries के लिए ये उन्हें competitive, professionalized और expanding market दे रहा है, जहाँ पे educate और efficient infrastructure है, so that they are able to render better service to the investor and issuers. तो SEBI यहाँ पे इश्यूअर्स के लिए भी कर रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए भी कर रहा है, इंटरमीडियरीज के लिए भी कर रहा है। सेबी के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। The overall objective of the SEBI is to protect the interest of investor and to promote the development of and regulate the securities market. They may be elaborated as follows: to regulate stock exchanges and the security industries to promote their orderly functioning. उन्हें रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंजेस को और सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज को, सो दैट वो ऑर्डरली वे में फंक्शन कर पाए। जैसे आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है, सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस को और सिक्योरिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहा है। टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। जैसे आरबीआई बैंक में अकाउंट होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें एजुकेट करता है, सेम वे सेबी इन कंपनीज के लिए इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उन्हें गाइड कर रहा है, उन्हें एजुकेट कर रहा है। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैलप्रैक्टिसेस एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री में सेल्फ रेगुलेशन होने लग गया था, उस चीज को वो मेल प्रैक्टिसेस में ना बन जाए, उन दोनों के बीच के बैलेंस को मेंटेन करके रखना। सिक्योरिटी मार्केट अपने आप रन होता रहेगा, बट उस पर एक नजर रखनी पड़ेगी कि उसमें कुछ गलत ना होने लग जाए, वो काम सेबी का है। To regulate and develop a code of conduct and fair practices by intermediaries like brokers, merchant bankers, etc., with a view to making them competitive and professional. ये बात आ जाती है इसके intermediaries के लिए कि उन्हें भी regulate करेगा और उनके लिए एक code of conduct बनाएगा, उनके लिए fair practice policies बनाएगा। सेबी के functions की बात करें तो दोस्तों, सेबी का regulatory function है registration of broker and sub broker other players in the market. Registration of collective investment schemes and mutual funds, regulation of stock brokers, portfolio exchanges, underwriters and merchant bankers, and the business in stock exchanges and any other security market. Regulation of takeover bid by company, जो भी कंपनी रेगुलेशन टेकओवर करती हैं उसको भी सेबी ही रेगुलेट करता है। Calling for information by undertaking inspection, conducting inquiries and audit of stock exchanges and intermediaries. जैसे RBI banks का inspection करता है, same way SEBI stock exchanges का inspection करेगा, audit करेगा और जो intermediaries होते हैं उनका भी करेगा। Levying fee or other charges for carrying out the purpose of the act, performing and exercising such power under Securities Contract Regulation Act 1956 as may be delegated by the Government of India. तो सेबी को सेबी एक्ट के अलावा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 से भी पावर डिराइव होती हैं। आरबीआई के पास दोस्तों जो पावर आती हैं वो आरबीआई एक्ट के थ्रू आती हैं, इसके अलावा बीआर एक्ट के थ्रू आती हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 इसके थ्रू आती हैं, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा एक्ट के थ्रू आती हैं। सेबी के पास जो पावर आ रही है सेबी एक्ट के अलावा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हमने एक पढ़ा है 1956, जो कि सेबी को पावर्स ग्रांट करता है। डेवलपमेंट फंक्शन सेबी के होते हैं ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग कराना, इनकी हैंड होल्डिंग कराना, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। आप सेबी की वेबसाइट पर जाइए, आपको तरह तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके लिए। Undertaking measures to develop capital market by adapting a flexible approach. इसके अलावा सेबी के पास प्रोटेक्टिव फंक्शंस है दोस्तों। प्रोटेक्टिव फंक्शन सेबी किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? सेबी प्रोटेक्ट कर रहा है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को। Prohibition of fraudulent and unfair trade practices like making misleading statements, manipulation and price rigging etc. सेबी इस चीज को रोकता है। Controlling insider trading and imposing penalties for such practices. Undertaking steps for investor protection. प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने आज डिस्कस करा, जिसके अंदर हम लोगों ने रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का जो दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, उसके अंदर मैं आपको IRDAI को पढ़ाऊंगा जो कि इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, और PFRDA के बारे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को जो कि पेंशन फंड रेगुलेटर है। इसके अलावा आरबीआई हमारा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आते हैं दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम्स इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम्स इन इंडिया के बारे में बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस चल रहे हैं आपके, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसका वीडियो मैं आपका 1 या 2 लेक्चर्स के बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का करके फाइनेंशियल सिस्टम आपका पूरा हो जाएगा। फिर जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट का सिलेबस है उसके अंदर डेरिवेटिव्स ऑलरेडी हो गया है, बाकी वर्क भी अभी अंडर प्रोसेस है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल wish_wise को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।